गुरु से प्रीत का तो मतलब ही यही है, एक अपने जैसे बिल्कुल अपने जैसे इंसान, चलता फिरता हमारे ही जैसा, हमारे ही जैसा संसार बरतता, हमारी ही तरह से उसके अंदर भी सारे विकार के दर्शन, क्रोध भी करता दिखाई देता, लोभ करता भी दिखाई देता, मोह करता भी दिखाई देता, क्रोध करता भी दिखाई देता, अहंकार भी करता दिखाई देता, और उसमें हम परमात्म भाव रख के प्रीत हो गई हमारी उससे, तो बोले बहुत ऊंची क्लास है ये। यहाँ पर इंद्रियों योग करने का मतलब ये, इंद्रियों को उनके साथ जोड़ देना, अमन और नमन दोनों एक ही बात है। अगर हम अमन होते हैं तो भी हम उनके विचार को अपनाते हैं, नमन हम उन्हें करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो भी हमारा मन नहीं रहता। बोले वो दो यही कार्य है, बोले इंद्रियों का ही इसीलिए बोला है, सबसे पहले इंद्रियों को गुरु के साथ जोड़ देना है, गुरु के विचार के साथ। कल भैया बता रहे थे कि चाहिए संसार का सब कुछ हम लोगों को, प्रीत हो गई तो इसका अर्थ ये थोड़ा ना कि हम कुछ चाहिए नहीं, सब चाहिए, तो संसार में आए हैं, शरीर की मांग है, हर चीज चाहिए, लेकिन क्या है कि जुड़ गए उससे, जहां से पढ़ाई करना है, जहां से पता चल गया कि ये यहाँ से हमें MBA करना है, यहाँ से हमें मास्टर्स करना है, या यहाँ से हमें इंजीनियरिंग करनी है, तो बोले उसके कायदे कानून, उस स्कूल कॉलेज के कायदे कानून हम सबको अपनाने पड़ते हैं। बोले वो क्लास जिस समय है उसी समय बैठना पड़ेगा, जैसे ड्रेस वो बोलेगा कोट नहीं पड़ेगी, जिस तरह से वो उठना बैठना सिखाता है वैसे हमें उठना जाना पड़ता है, उठना बैठना समय उसके हिसाब से देना पड़ता है, तो सब कुछ उसका मानना पड़ता है, तभी वो अपनी एकेडमी में हमको लेता है और वहां पे आगे हमको बहुत सारी विद्या देता है। यहाँ भी ये क्लास ऐसे ही है, यहाँ का तो एक ही है कि अमन और नमन हो जाए, चाहे अमन हो चाहे नमन करो, नमन भी एक ही है, अमन भी एक ही बात है, अमन हो जाए। मन है, मन की चाहत बहुत है, लेकिन हमें अब गुरु के साथ जुड़ जाना है कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ, जब तक हम अमन नहीं होते, जब तक हम नमन पूरा नहीं करते सच्चा नमन। तो बोले कल भैया जैसे बता रहे थे कि क्या करना है, गुरुजी पढ़ते थे तो गुरुजी से कहे कि ऐसा करना, तो डर डर लगे, भय लगे, तो क्या क्या बोलते थे गुरुजी कि बस तुम जब पेपर आए तो उसको देखने से पहले एक बार आंख बंद करके याद कर लेना गुरु को, और कहना फिर वो दिमाग में भी, यहाँ याद भी दिमाग में आ जाएगा प्रश्न का उत्तर, और लेखनी में भी, हमारे राइटिंग में भी वो बैठ जाएगा, लेखनी में भी करेंगे वो उत्तर उनके हम पहुंचेंगे, जब उन्हें ध्यान कर लेंगे तो उनको ध्यान कर लेगा। ये ध्यान इसीलिए तो है, गुरु के विचार से चलना, बस वही ध्यान है, तुम्हें अर्पित हो गए हम, अब तुम जान लो, पुरुषार्थ हम सब करेंगे जो तुम कहते जाओगे, लेकिन जो भी मिलेगा उधर से तुम्हारी तरफ से उसमें हम राजी रहेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि आप हमारे बहुत परम प्रिय हो और हमारे सच्चे माता पिता, सच्चे मेरे भगवान। जिस तरह से माता पिता का बहुत हाथ होता है, बच्चे कितने खुश होते हैं, कितने विश्वास करते हैं,
करते हैं उनकी बात को मानने में, वैसे ही विश्वास तो गुरु पे हो जाता है। तो गुरु के विचार से चलने लगते हैं हम लोग, गुरु के विचार से इंद्रियों का खोलना और बंद करना करते हैं, बोले यस मैन हो जाते हैं। यस मैन होने में ही तो जीवन लग रहा है, कहाँ हो पाते हैं पूरा पूरा कि जो प्रकृति में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है प्रकृति के द्वारा, लोगों के द्वारा या किसी भी दैवीय उससे, सब कुछ मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसमें ही तो टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। तो इसमें टिकने में तो टिकना ही तो है, ईश्वर की सृष्टि है, यहाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और तू बताएगा क्या, उसको सब है खबर, किस समय कौन सी चीज दरकार है, तू बताएगा क्या, उसको सब है खबर, काहे दो दिन की पतझड़ से घबरा गया। निराश हताश होने लगते हैं या गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, ये सब गुरुजी के कारण नहीं होता है, गुरुजी की कृपा से हम लोग के जीवन में नहीं होता है। बोले हम धर्म की राह पर चलकर गुरु के विचार को अपना कर ही हम, बोले दोनों जहान की दौलतें सब दी हैं आपने, गुरुवर कहूं या आपको अपना खुदा तो हूं। बोले लायक नहीं थे लेकिन दोनों जहान की दौलतों से उसने नवाजा है दोनों को, सब भक्तों को। आंख नहीं है उधर, बस दृष्टि नहीं है, दृष्टि रहती है कमी पे, दृष्टि मिला हुए पे नहीं रहती। उदाहरण हम लोग बहुत देते हैं, आधा गिलास पानी का है तो शुक्राना करो, लेकिन इसमें रहते नहीं हम लोग, आदत नहीं हम लोगों की, आदत आदत बनानी है। हर क्षण में हम कृष्ण के विचार को अपना के जब बदलाव करते हैं तो बहुत प्रचंड बदलाव हमारे स्वयं के जीवन में अंदर भी होता है बाहर भी होता है, ये बिल्कुल राइट बात है। लेकिन बोले हर क्षण में हम मिलना पड़ता है, हमें हर क्षण हमें मरना पड़ता है, हर क्षण का मरने वाली बात है। तभी कबीरदास जी ने कहा है, एक घड़ी भी राम को विसरूं तो ब्रह्म हत्या होती है, मैं अपनी मैं में नहीं रहता हूं, हर समय राम में रहता हूं, जो राम के द्वारा हो रहा है वो सब जो है अच्छा हो रहा है। मैं इस इतनी इसी विचार को अपनाने के लिए बिल्कुल निश्चित, जैसे निश्चय बुद्धि से रहता हूं, मन के विचार को नहीं पकड़ता, उसको उसके लिए प्रयास रहता है। तो भक्त हमेशा इसी के लिए प्रयास रहता है, हर की मौत में वो अमरता की ओर यात्रा शुरू कर देता है, अमर हो नहीं जाता है लेकिन यात्रा अपनी उधर से शुरू, उधर की शुरू कर देता है, तो उसको चिंता भी नहीं रहती है, भय भी नहीं रहता, निर्भय पदवी भी मिलती है, आशंका वगैरह भी नहीं है, भ्रम उसके सब निवृत्त हो जाते हैं, ये सब उसके अपने आप होता है जब वो हर क्षण गुरु के विचार को अपना के मरता है। तो साथ में रहने का अर्थ यही होता है। तो और ये संसार में भी ये प्रक्रिया है, लेकिन क्या है, अपने अहंकार के कारण उस प्रक्रिया में जाते नहीं है। जैसे ने तो लड़की देखो ना, ससुराल जाती है, उसको सब दूसरा अपनाना पड़ता है, अपनी जात तक खोनी पड़ती है, वहां के कायदे कानून अपनाने होते हैं सब, और जितना जितना वो ये करती जाती है उतना ज्यादा वो उसमय हो जाती है, पतिमय हो जाती है। नहीं करती है तो अपने विचार को रखती है तो उसका अहंकार ही तो कायम रहता है। तो ये प्रक्रिया बचपन में माँ बाप के द्वारा बच्चे के साथ होती है कि माँ बाप की मानते हैं बच्चे, तो भी उनकी मौत ही हर क्षण बदलाव लेकिन अमरत्व की ओर ले जा रहा है।
फिर मिलते हैं साथी, स्कूल मिलता है, वहां मास्टर मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, तो वो फिर साथी मिलते हैं। सब बनते भी तभी हैं जब हम क्या करते हैं, थोड़ी अपनी मौत को सहते हैं, अपने मन को न करके उनके मन की करते हैं, तो मिलते जाते हैं। तो जितना जितना बोले कैसे मिले, कैसे अमृत और कैसे शांति की ओर पहुंच रहे हैं, जितना हमने मानना सीखा, जितना उतने हमारे बड़ा दायरा बनता जाता है, मित्रों का बड़ा दायरा बनता जाता है। बोले ऐसे आशीर्वादों का भी बड़ा दायरा, एक माँ बाप के बहुत माँ बाप मिल जाते हैं, है जहां जाओ वहीं पे जो है ना हमको ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। किसके, हर क्षण की मौत में, हर क्षण के मिलने में, मिलना ही तो है। तो जो नहीं मिलते हैं उनको अहंकार बरकरार रहते हैं, वो देखो हर जगह दुखी रहते हैं। कुछ क्षण जब मन की होती है तो बस सुखी होते हैं, वही क्षण, बाकी उनको तो फिर व्याप जाता है, बाहर कभी कभी दिखता नहीं, अंदर में होता है। बहुत जो मिले होते हैं तो वो उसके लिए भूला भी जाता है, अरे मन की सब होती है इसलिए सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता है कि अमन होने का आनंद होता है, ये न कहा मालूम होता है। अमन होना गुरु के माध्यम से ही संभव है। क्या संसार में आप विनम्रता के साथ हर बात को स्वीकार कर रहे हैं तो संभव है, लेकिन फिर भी सत्य की ओर तो नहीं ले जा पाएंगे। सत्य तो जो टिका होगा वही सत्य को ले जा सकता है, तो अमरता की ओर तो वही हमें ले जा सकता है, अन्यथा शरीर में तो अमरता है नहीं, वो तो हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण शरीर में बदलाव हो रहा है, लेकिन हमको बदलाव को हम जानने वाले हैं तो हमें दुख नहीं है। बदलाव को नहीं जानते हैं तो कहते हैं मर गए, जी गए, मर गया, ऐसा हो गया, दुखी सुखी होते हैं, क्योंकि सत्य में टिके नहीं। इसलिए बहुत अच्छा है ज्ञान, गुरु जी की बड़ी कृपा लगती है। जय सतगुरु।